तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कवर अप करेंगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसका प्रूफ। और ये जो रिलेशन है इसे मेयर्स लॉ भी कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है? ठीके? तो वीडियो के आधे में मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा। पहले मैं इस मेयर्स लॉ को समझाऊंगा कि असल में होता कैसा है, ठीक है? तो अगर आप खाली प्रूफ देखने आए हो तो आप वीडियो को स्किप कर लो, स्किप करके वो प्रूफ वाला पार्ट में चले जाओ, ठीक है? तो शुरू करते, चलो अब देखते हैं मेयर्स लॉ इसमें होता क्या है। पहले बात जो सी पी है, पहले बात सी पी, ये तो हमें पता है ना, ये क्या होता है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो हमें पता है। उसके बाद और ये सी वी का मतलब क्या हो जाता है हमारा, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो स्पेसिफिक हीट बोल रहा है मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब मोलर का बात चल रहा है तो क्या हो, सबस्टेंस का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल होगा। अब देखते हैं इसको, पहला पहला जो मैं हीटअप करने वाला हूँ, मेरे पास इस कंटेनर के अंदर गैसेज है, इसका वॉल्यूम एकदम सील्ड है, डन। तब मैं जब इसको हीटअप करूँगा, जब इसको मैं हीटअप करूँगा तो यहाँ से हीट सप्लाई जाएगा अंदर। अब जो ये हीट है ना, हीट क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को कितना राइज करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने वाला है, डन। क्या हमें यहाँ तक समझ आया? तो मैं अगर इसके लिए निकाल दूंगा, देखो यहाँ पे जब ये हीटअप होगा क्या इसका वॉल्यूम में चेंज होगा, कोई तरीका नहीं है क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो मुझे स्पेसिफिक हीट निकला है, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने कुछ हीट सप्लाई किया, किया कि नहीं, यहाँ पे म्यू, म्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कितना लिया था मैंने, 1 मोल लिया था। उसके बाद मैंने कितना यहाँ पे सप्लाई किया था तुम्हारा हीट, मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज करवाया था, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्यू बाई 1 मोल इंटू 1, मतलब क्यू के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है? जितना हीट सप्लाई किया वो स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट है। अब देखना, अब जो कांस्टेंट प्रेशर है इसको समझो, एट कांस्टेंट प्रेशर इसको समझते ज़रा। इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक सिलेंडर और उसके अंदर लेना होगा एक पिस्टन। ये मैंने लिया सिलेंडर, एक ले लिया मैंने पिस्टन, और मैंने इसके अंदर रख दिया गैस और नीचे लगा दिया हीटअप। उसके बाद इसका भी भाई सेम डेफिनेशन है, सीपी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब भी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब जब इस गैस का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे ना, तो क्या होगा, इस गैस के अंदर मोशंस बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का। अब जब इसके अंदर मोशंस बढ़ जाएगा ना, तो जो पिस्टन है ना, याद रखो ये जो पिस्टन है, पिस्टन को कम से कम थोड़ा सा तो धकेल ऊपर दे ही का, मतलब थोड़ा सा इस पिस्टन को ऊपर धकेल देगा। अब थोड़ा सा पिस्टन को ऊपर धकेल दिया, तो पहले अगर यहाँ तक वॉल्यूम था, अभी क्या यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हो चुका है वॉल्यूम में। अब देखो इसका कॉन्स्टेंट प्रेशर से मतलब क्या है, बाहर कंटिन्यूअस एटमोसफियर प्रेशर लगा रहा होता है, ठीक है? जब ये ब्लू वाला था तब भी बाहर एटमोसफियर प्रेशर लगा रहा था, फिर मैंने इसको हीटअप किया, करने बाद गैस थोड़ा एक्सपैंड हुआ, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम को खा लिया, मतलब ऑक्यूपाई कर लिया, और पिस्टन को थोड़ा ऊपर धकेल दिया। एक सर्टेन टाइम ये पिस्टन बैलेंस हो जाएगा ना, कब बैलेंस होगा, जब एटमोसफियर भी उस पर उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा, आया समझ में ना? अब ऐसा तो नहीं है कि हीटअप किया पिस्टन पूरा ही बाहर निकल गया, नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, जब तक कि इसका अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बैलेंस ना हो जाए, ये हमें समझ आता है। अब देखो इस तो ये वाइब्रेशन के कारण हुआ, अभी अगर तुम देखो यहाँ पे जितना हीट लगा था ना, यहाँ पे जितना हीट लगा था 1 डिग्री राइज करने के लिए, अभी देखो तुम बताओ यहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा, बताओ। इस केस में ऑब्वियसली प्रेशर कुकर के अंदर कम हीट में खाना पक जाता है, यहाँ पे ऑब्वियसली हीट ज़्यादा लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको मैं सीपी बोल रहा हूँ ना, सीपी, तो सीपी के केस में मुझे ज़्यादा हीट लग रहा है, मुझे ज़्यादा हीट लग रहा है, कितना ज़्यादा हीट लग रहा है, इस वर्क को करने पे जो हीट लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है तो वर्क हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, पी इंटू वी होता है, तो बार बार प्रूफ करवा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे जितना चेंज हुआ उतना ही वर्क एक्स्ट्रा हुआ होगा, तो पी डेल वी इज इक्वल टू पी डेल वी वाला वर्क एक्स्ट्रा हुआ है। ये अगर हमें समझ आता है कि सी पी इस केस में ज़्यादा हीट लगा था, पहले जितना हीट लगा था उतना भी उतना तो लगा ही होगा, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एक्स्ट्रा लगा था, जिस केस में क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, डन। ये आइडिया मिला ना, प्रेशर कुकर में जल्दी चीज़ें पक जाता है, क्यों पकता है, क्योंकि उसमें ये होता है ना, जल्दी पकने का मतलब क्या है, जल्दी 1 डिग्री राइस कर रहा है, डन। लेकिन यह खुला चूल्हा में थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क करता है, कुछ वर्क करता है ऊपर में। देखो यार, अगर
अपने घर में अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो यहाँ पे हम एक बर्तन डाल देते हैं ना, तो बर्तन पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क पड़ता है ना, तो वही कहानी है कि इस केस में आपको जो स्पेसिफिक हीट देना होगा वो ज़्यादा देना होगा कंपेयर टू इस केस में। यहाँ पे जितना, यहाँ पे अगर 10 दे रहे हो ना तो यहाँ पे आपको 12 देना पड़ेगा। यहाँ पे 12 बोलने से 10 किस में कंज्यूम होगा, यहाँ पे जो काम करने में कंज्यूम हुआ था गैस को हीटअप करने में उसमें यूज़ होगा, और 2 किस लिए एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्योंकि इस पिस्टन को धकेलने के लिए वो किससे एनर्जी लेगा, इसी से एनर्जी लेगा, और जब वो इसको धकेल पाएगा तभी अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करवाएगा। डन, ये हमें समझ आता है। तो इस केस में एक्स्ट्रा कुछ वर्क होता है जब हम इसको कॉन्स्टेंट में करते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम, अब हमें पता है गैस लॉ, सबको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फिजिक्स में म्यू आर टी लिखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था इसमें गैस कितना ले रहा हूँ, 1 मोल ले रहा हूँ, टेम्परेचर कितना राइज करवाऊंगा सब में, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाऊंगा। तो क्या मैं इसको पी वी को आर के बराबर लिख सकता हूँ? यहाँ पे वी फॉर वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये भी चेंज इन वॉल्यूम भी तो एक वॉल्यूम ही है ना, आया समझ में? तो क्या मैं सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर लिख सकता हूँ? ये हुआ जनरल प्रूफ, ठीक है। अब तुम लोग अगर वो प्रूफ देखने आओ लंबा वाला, तो अभी करवाते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बुक में दिया गया है। तो इसको समझते हैं अभी, अभी बुक वाला प्रूफ है, ठीक है, अभी मैथमेटिक्स के माफी करेंगे पूरा। अभी यहाँ पे मैं करना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, सी पी माइनस सी वी आर के बराबर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करते हैं, डन। तो फर्स्ट तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मतलब डायनेमिक्स कहता है जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो किस काम में यूज़ होता है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और कुछ वर्क करने में। क्या मैं वर्क को लिख सकता हूँ पी इंटू वी? क्या मैं इसी इक्वेशन में क्या मैं वर्क को लिख सकता हूँ? वर्क मतलब क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पी इंटू वी, वी या डेल वी, कहानी सब सेम है, तो यहाँ पे डेल वी लिखते, चलो डेल वी लिख देते हैं, ठीक है। चेंज तो हुआ होगा कुछ वॉल्यूम में, वर्क के लिए, वर्क के केस में वॉल्यूम इंडिकेटर है। अब देखो, अभी एट कॉन्स्टेंट, अभी देखो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेट वी प्रोवाइडिंग, हम लोग मान रहे हैं कि वी प्रोवाइडिंग हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस, राइज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। डन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जो जब भी हम कोई हीट को प्रोवाइड करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, तो क्या हो जाता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, उसको बोलते हैं सी। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी बोल देंगे। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया? अब सी वी के केस में क्या वॉल्यूम में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज यहाँ पे हमने देखा था वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। और सी वी का जनरल डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, और यहाँ पे डेल्टी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मोल को 1 मान लेते हैं, डन। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टी, इस केस में सप्लाई, इस केस में कॉन्स्टेंट केस में। सो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे की अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रख रहे हैं तो क्यू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो एक बार, क्यू की जगह में क्या लिख दो तुम, सी वी डेल्टी इज इक्वल टू डेल यू। यहाँ पे पी डेल वी, ये क्या चीज़ है भाई, पी डेल वी वॉल्यूम में कॉन्स्टेंट हो ही नहीं, मतलब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो यहाँ पे 0 इंटू पी 0, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्यू, क्यू को मैंने यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट से क्यू निकाला उसको रिप्लेस कर दिया सी वी इंटू डेल्टी, डन। इस क्यू को रिप्लेस कर दिया सी वी इंटू डेल्टी में, डेल यू, डेल यू रख दिया, पी डेल वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, तो पूरा टर्म 0। तो यहाँ से सी वी निकालूंगा कितना आ जाएगा, डेल यू बाई डेल्टी, ये हमें समझ आता है। अब देखो फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर में भी सेम यही फंडा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लेट वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल सबस्टेंस, सेम यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद हम सी पी क्या लिख देंगे, वही कंडा फंडा, क्यू अपॉन कितना, 1 मोल डेल्टी, मोल का वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ पे सी पी के केस में क्यू कितना आएगा आपका, सी पी इंटू डेल्टी, डन। तो इस क्यू को इस बार हम लोग इस थर्मोडाइनमिक इक्वेशन में फर्स्ट से जब का फर्स्ट लॉ है उसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्यू की जगह में सी पी के केस में क्या लिख देना है आपको, क्यू की जगह में सी पी के केस में दिख रहा है ना, क्या लिख देना है, सी पी डेल्टी लिखा, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा तो डेल यू लिखो, यहाँ पे पी डेल वी क्या है, वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब यहाँ पे क्या वॉल्यूम में चेंज होता है, हाँ भाई यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होता है, चेंज नहीं होता तो 0 होता है, यहाँ पे तो चेंज होता है ना कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में,
तो यहाँ से अगर मैं सी पी निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, डेल यू प्लस पी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, नीचे भेज दिया, डन, इतना कर लिया। देयर फॉर कंटिन्यूशन अभी, सो सी पी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, ये तो हम लिख सकते हैं ना, डेल यू बाई डेल टी प्लस यहाँ पे पी डेल वी बाई डेल टी। अब देखो डेल यू बाई डेल टी ये है क्या चीज़, दिख रहा है ना, सी वी है ना, डेल यू बाई डेल टी है क्या चीज़, सी वी है, दिख रहा है। तो क्या मैं लिख दूँ, सी पी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, अगर सी वी है तो सी वी लिख देंगे। अब देखो हमें पता है, हमें पता है फ्रॉम गैस लॉ, गैस लॉ से हमें क्या पता है बताओ, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। इस केस में हम लोग मोल को वन रख रहे हैं, टेम्परेचर राइज वन कर रहा है, सब कुछ तो वन डिग्री कर रहा है ना, और पी वी, पी वी दिख रहा है ना, टेम्परेचर राइज छोड़ो तुम, यहाँ पे तो हमने शायद वन डिग्री नहीं लिया था तो टी लिखते चलो। तो यहाँ से अगर मैं, लेकिन मोल को तो भाई वन फिक्स किया था, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर लिख दो टेम्परेचर का सबस्टेंस बाई टी डिग्री सेल्सियस लिख दो, बेटर रहेगा, डेल टी डिग्री सेल्सियस, चलो। तो यहाँ पे तो पी वी बाई टी किसके बराबर आ रहा है, आपके आर के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो पी डेल वी, डेल वी भी क्या है, एक वॉल्यूम ही है ना, ये तो जनरल लॉ है ना, तो पी वी बाई टी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो क्या मैं इस चीज़ को आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, दिख रहा है जनरल लॉ ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, यहाँ पे मैंने वन डिग्री सेल्सियस को हटा दिया जनरल डेफिनेशन को छोड़ के, टी डिग्री सेल्सियस बट वन मोल सब्सटेंस कांस्टेंट रख रहा है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट रखना है, नहीं तो स्पेसिफिक हीट बनेगा ही नहीं, वो टेम्परेचर तुम चाहे कितना ही बढ़ाओ लेकिन मोल कांस्टेंट करना है, वो तो स्पेसिफिक होता है ना। अब देखो तो यहाँ पे मैंने गैस लॉ का यूज़ किया, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को टेम्परेचर रहने दिया, छेड़ा नहीं, इस केस में छेड़ा था, तो यहाँ पे म्यू वन मोल वो तो कन्फर्म करें, तो पी वी बाई टी इज इक्वल टू आर आया। तो क्या मैं इसको पी वी बाई डेल टी को लिख दूँ आर के बराबर, लिख दिया, डन है ना, ये देखो मैंने लिखा है सी पी डेल यू बाई डेल टी, सी वी आया था प्लस आर, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या, सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर। तो ये है इसका एक और प्रूफ, डन। तो ये इसका जनरल है, अगर फंडा आप समझ जाते तो आराम से कर लोगे, और ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।